आइए दोस्तों, आज हमारे पास फिर से एक साइंटिफिक घड़ी आया है। इसे आप देख सकते हैं, इसको कैसे खोला जाता, कैसे रिपेयर किया जाता वो मैं बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये घड़ी है, यहाँ पे है, और ये अभी हम खोलेंगे। इसको आप सही ढंग से देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या काम करना बाकी है, ये सब अभी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी हम इसका नट खोलते हैं, इसका एक हैंड यहाँ पे रख देते हैं, ये एक हैंड है यहाँ पे रख देते हैं, और अभी हम इसके चार स्क्रू खोलेंगे। ये रही एक स्क्रू, इसका चाबी यहाँ पे, इसका पेंडुलम यहाँ पे, चार स्क्रू हैं डायल के, ये खोलते हैं। खोलते समय ज़रूर याद रखना कि स्क्रू सभी सही जगह पे रख रहे हैं हम, और उसके बाद हम डायल खोलेंगे। और ये काफ़ी बार बन चुका है, 19 में एक बार बना है, 19 में दो बार बना है, 4-19, 5-19 दो बार, अनिकेत करके ऐसे कोई नाम का आदमी है, उसका टेलीफोन नंबर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये बना है मगर चला नहीं, अभी इसका वजह क्या है, क्यों नहीं चला, वो अभी हम ही जांचेंगे। ओके, अभी हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये व्हील को देखिए, इसमें प्ले है, ये व्हील को देखिए, यहाँ पे प्ले है, ये गवर्नर को देखिए, इसमें प्ले है, और यहाँ देखिए, अभी इसको देखने के लिए हमको चाबी लगेगी। चाबी में इस तरह पकड़ के, ये व्हील देखिए और ये व्हील देखिए, इसमें प्ले है, इस वजह वो चलता नहीं, क्योंकि प्ले आने से इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। अभी हम इसको मशीन को बाहर लेंगे और इसकी सारी तकलीफें दूर करके देखेंगे। अभी इसके चार स्क्रू हैं, चार स्क्रू खोलना है। एक स्क्रू डाल दिए, एक दूसरा स्क्रू डाल दिए, तीसरा स्क्रू यहाँ है इसका, और चौथा स्क्रू इसका यहाँ है। चार स्क्रू हमने निकाल दिया है, मशीन को बाहर लिया है, और अभी हमको इस कैबिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए हम कैबिनेट को यहाँ दूर पर रख देते हैं। अभी हमको यहाँ देखना है कि और क्या गड़बड़ है यहाँ की। सभी व्हील में प्ले है, ये सभी जगह में आप देख सकते हैं, किसी ने पंच किया है मगर काफ़ी जगह में वो पंच ज़्यादा आगे पीछे हुआ है, जिसके वजह ये प्ले नहीं गया है। इसको कुछ हमको बुशिंग डालना पड़ेगा, बुशिंग डालोगे तो ये सही चलेगा। ऐसा तो काफ़ी फुल वाइंड है इसके अंदर, ऐसा दो चार घंटा चल के घड़ी रुक जाएगा, क्योंकि इसके चाल सही नहीं है। देखिए अभी एक दो मिनट में ही रुकता है, हिलता भी नहीं है, इसका मतलब इसमें भी प्ले है। ये देखिए, इसके अंदर के व्हील में भी प्ले हैं। तो अभी हमको इसको डिसमेंटल करना है, ये कैसे किया जाता है अभी हम दो मिनट से देखते हैं।
इस तरह डोरी लीजिए, इसको तीन सूती में बनाइए इस तरह, और इससे अभी हम ये जो स्प्रिंग है उसको बांध देंगे। उससे पहले हम ये पेंडुलम रॉड निकाल लेते हैं। इस तरह चिमटे की ज़रूरत पड़ेगी आपको, चिमटे की ज़रूरत है। फिर अभी हम यहाँ से डोरी डाल के यहाँ से खींच लेंगे उसको हम लोग। गया नहीं है सही ढंग से, कोई बात नहीं, फिर एक बार कोशिश करते हैं। ये थोड़ा लपटना पड़ेगा इसको, इस तरह डालिए, इस तरह इससे इसको अंदर खींचिए, अंदर के बाजू से इसको बाहर खींचिए। ये हो गया, यहाँ पे डोरी आ गई, इस डोरी को पकड़ लो, इस तरह रख के इसको सही जगह में बिठा के तीनों डोरी एक जगह आना है, आगे पीछे नहीं होना है। इसको ज़रा एडजस्ट कर लें, तीनों जब भी एक साथ आ गए इस तरह, तो इसको कस के बांधिए। बांधना है ये एक, कस के बांधिए ये दो, ये और एक तीन। इसको बांध दिया। अभी क्या करेंगे, इस बाजू का जो है यानी स्ट्राइक साइड का अभी हम बांधेंगे, उसको भी इसी तरह करना है। यहाँ से डाल दीजिए, यहाँ से लेके इससे पकड़ के बाहर ले लो। ये आ गया बाहर, इस तरह रखो। इसको इस तरह रखो, पकड़ो इसको और इसको सही ढंग से बांधो। ये बार बार साइंटिफिक घड़ी क्यों आती है वो हमको पता नहीं, मगर सबको खोलने का और इस तरह अनवाइंड करने का तरीका एक ही है। ये दो चार बार देखने के बाद आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप इसको सही ढंग से खोल पाएंगे, कोई खतरे के बगैर। अभी ये हो गया, दोनों देख सकते हैं आप, दोनों बांध दिए हैं सही ढंग से, दोनों बैठा है। अभी हम यहाँ से इसको खोल के लीवर निकालते हैं, लीवर रख देते हैं, और अभी इसको हम यूँ पकड़ लेते हैं गवर्नर को, ताकि ये नहीं घूमे ये चलते हो। ये अभी अभी अनवाइंड हो जाएगा। अभी आप इसमें देख सकते हैं व्हील में किस किस में क्या है। मैं भी अक्सर वही करता हूँ, साइड से इसको उठा के यूँ देखता हूँ किसी व्हील में प्ले है क्या। हाँ, फर्स्ट सेकंड व्हील में थोड़ा सा डग है, तो थोड़ा ऊपर नीचे घूमता है, उसको ठीक कर ले सकते हैं। लेकिन बाकी सब सही है। इसको रोकते हैं, दो चार मिनट का सवाल है।
जब तक हम साइड में और एक छोटा मोटा काम कर सकते हैं वो है एक पकड़ ले लीजिए, इसके जो तार है स्ट्राइक करेक्शन का तार है वो खोल ले सकते हैं हम, क्योंकि इसकी ये रुकावट बनेगी अगर नहीं खोलने पर। ये रही रुक इसकी तार, इसकी तार ये है, ये खोल देते हैं करेक्शन का। और यहाँ पे एक नट है, ये नट हम खोल के इसका गाइड जो है वो निकाल के हम यहाँ डाल देते हैं। वापस नट लगा देंगे, ये खत्म होने को आ रहा है। फिर भी एक बार इस तरह करके साइड से ढकेल के देख लेना ताकि इसका पूरा वाइंड निकल जाए। ये रही इसकी ताकत खत्म होने आई है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको फिर से ये इसका नट थोड़ा लूज करना है, ये भी नट थोड़ा लूज करना है। ये नट हमने लूज किया है, ये अभी तक घूम रहा है, इसको घूमने दो और थोड़ा इसको ढकेल के इसका पूरा ताकत खत्म कर दो। ठीक है, ये जब भी रुक गया तो फिर हम अगला काम करेंगे। इसका अगला काम क्या है, आहिस्ता इसको लूज करके हमको इसके अंदर एक काड़ी इस तरह डाल के, ठीक है, ताकि ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता यह गवर्नर इसका निकाल लेंगे। ये रहे इसके गवर्नर, ये हम रख देते हैं। वापस इसका नट जो है हम टाइट कर देते हैं और ये निकाल के इसमें डाल देते हैं ताकि ये भी हमारे काम ना आए, बीच में नड़े नहीं। और इस तरह पकड़ के हैमर को पीछे लेके इसको ऊपर पकड़ के अभी हम इसको छोड़ेंगे। देखिए ये अनवाइंड हो रहा है, अभी एक या डेढ़ मिनट में अनवाइंड हो जाएगा पूरा। इसमें क्या करना है, अक्सर खतरा नहीं चाहिए तो उस तरह मैंने उस बाजू जैसा काड़ी डाला है उसी तरह इस बाजू भी एक आपको काड़ी डालना है। काड़ी डालने से व्हील रुके रहते हैं, गवर्नर आप आसानी से खोल सकते हैं। गवर्नर खुल गया, ये देखिए ये अनवाइंड हो गया। अभी इसको हम थोड़ा और थोड़ा यूं करके देखेंगे, ये उठा के देखेंगे और वाइंड है क्या देखते हैं। उंगली से ज़रा दो चार बार ढकल कर देखते हैं। ये रहा इसका, खुल गया पूरा। इसको और एक दो वाइंड करते हैं, शायद इसमें थोड़ा सा रह गया है वाइंड। अभी हम चारों नट इसके
पांचों नट हैं, इसमें पांच नट हैं, पांचों नट खोल देंगे। ये दो नट यहां डाल देते हैं, तीसरा नट यहाँ डाल देते हैं, चौथा नट यहाँ डाल देते हैं, ये पांचवा नट। अभी फिर एक बार टेस्ट कर ले, कुछ वाइंड है क्या इसमें, ये रुक गया तो सही है। अभी हमको इसको उठाना है धीरे धीरे, थोड़ा बहुत वाइंड रहता है मगर परेशानी की बात नहीं है, वो खुल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह पकड़ से आहिस्ता आहिस्ता उठा के टच करने से खुल जाता है। ये रही खुल गई, ये हो गया फ्री। अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले एस्केप व्हील निकाल लेते हैं, जगह पर रख देते हैं। इसके बाद है यहाँ पे इस व्हील को हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एस मतलब स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक के हिसाब से लग रख दीजिए। और इसको यहाँ पे लॉक है, लॉक खोल लीजिए, लॉक खोल दिए। ये आ गया इसका व्हील, ये आ गया इसका, ये हो गया प्लेट खाली। अभी हमको लीवर खोलना है, यहाँ का साइड से पिन व्हील निकाल लीजिए, फिर ये लीवर निकाल लीजिए। इसमें तार है, उसको संभाल के रखिए। ये सेकंड लीवर है, ये खोल दीजिए। ये फर्स्ट व्हील है, और यहाँ पे हमको स्ट्राइक साइड का मेन व्हील और स्प्रिंग, ये कैम व्हील है, ये दोनों के बीच में आता है। इस बाजू से हमको मेन स्प्रिंग खोलना है, मेन व्हील है, फर्स्ट व्हील है, सेकंड व्हील है, थर्ड व्हील है, एस्केप व्हील हमने निकाले हैं, आवर व्हील, सेंटर व्हील, मिनट व्हील, ये सब निकाल दिए। हैमर खोलना है, हैमर खोल दीजिए। हैमर का एक तार खोल के हैमर को ट्रू कर लीजिए। तो दोस्तों, ये रहा सारा घड़ी। अभी इसमें ढेर सारे आपको शिकायत नज़र आएंगे, ये बहुत बड़ा चौड़ा हो गया है, ये भी बहुत ऑब्लॉन्ग हो गया है, और इसमें बहुत सारे होल्स जो हैं बड़े बड़े हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा आपको। ये सबको पंचिंग करके और कुछ जगह में बुशिंग डाल के एक तैयार करना पड़ेगा, क्लीन करके हम वापस मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और आप इसको देखिए, सीखिए और लोगों को सिखाइए, और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके असेंबलिंग के वीडियो में। बाय।